बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मार्कंडेय पुराण में जो श्री दुर्गा सप्तशती जी हैं उनका तीसरा अध्याय सबसे पहले महामाया जगदम्बा का ध्यान है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है और उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस हो गई। ऐसा देख करके महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर करके अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दैत्यों की सेना को मां भगवती तहस नहस कर रही थी। इसको देख करके सेनापति चिक्षुर को क्रोध आया और वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल जो हैं मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। और तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट करके उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया और धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। तो राजन, देवी की बहां पर पहुंचते ही वो तलवार जो है टूट गई और फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा और उस शूल को अपनी ओर आते देख करके देवी ने भी शूल का प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला चामर जो है हाथी पर चढ़ करके आया। चामर नाम का राक्षस।
उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगा करके बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भर करके एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो शंकर भगवान की। इसी प्रकार जो है वो दग्ध भी शिला और वृक्ष आदि की मार खा करके रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, तथा जो कराल था वो भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चूमर निकाल दिया, उद्धत का कचूमर निकाल दिया, पीस दिया उसको। बिंदीपाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक में भेज दिया। तो इस प्रकार जो है अपनी सेना का संहार होता देख करके महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मार करके, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचा करके, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्र दे करके और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। और इस प्रकार जो है गणों की सेना को गिरा करके वो असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा और इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी जो महिषासुर था वो भी क्रोध में भर करके धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा करके फेंकने लगा, गर्जने लगा। उसके वेग से चक्र देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा करके समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर के बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार जो है क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख करके चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंक करके उस महान असुर को बांध लिया। तो उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल जो है उसी समय सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई, वैसे ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा, पुरुष का रूप धारण कर लिया।
तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। और इतने में ही वो महान गजराज के रूप में परिणित हो गया, हाथी बन गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा, गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः अर्थात दोबारा भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। और तब जो है क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी जो है लड़खड़ा रही थी। क्या कहा देवी ने? देवी ने कहा कि ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले और मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि जी कह रहे हैं कि यों कह करके देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैर से उसे दबा करके उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी वो महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा और अभी जो है आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा और तब जो है देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की भारी सेना, सारी की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया है, उनकी स्तुति की है। गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो इसके बाद जब देवी ने माँ भगवती ने उस महिषासुर को मार दिया, उसका वध कर दिया, इसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर के किस प्रकार से देवी की स्तुति की है, बड़ी ही सुंदर स्तुति है। इंद्र आदि देवताओं ने जो स्तुति की है वो चौथे अध्याय का विषय है और तीसरा अध्याय जो है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।